हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवीएफ रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं विलेज स्टाइल में शकरकंदी की सब्जी। सबसे पहले शकरकंदी को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब इनको बॉईल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं शकरकंदी की सब्जी। सबसे पहले हमने गर्म पानी कर लिया है, इसमें शकरकंदी को उबालेंगे। जिस तरह हम आलू को उबालते हैं उसी तरीके से हम इसको उबालेंगे। ये देखिए शकरकंदी उबल के तैयार है। ऐसे नाइफ लगा के देखेंगे, ये देखो इजीली इसमें जा रहा है। अब इसको हम पानी से बाहर निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी शकरकंदी ठंडी होती है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल को गर्म होने देंगे। अब एक कटोरी में कुटा हुआ लहसुन डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, पानी डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए तेल गरम हो गया है। तेज पत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। और इसे ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए प्याज थोड़े ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं जो हमने मसाला तैयार किया था वो। अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस कटोरी में मसाला था उसी कटोरी से पानी डालेंगे। जब तक हमारा मसाला पक के तैयार होता है तब तक हम शकरकंदी को छील लेते हैं। इस तरह से इसे छील लेंगे। इसी तरह सभी शकरकंदी के टुकड़ों को हम छील लेंगे। इस तरह शकरकंदी के सारे टुकड़ों को छील लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं मसाले को। ये देखिए मसाला भी पक गया है, ऑयल बाहर निकलने लग गया है। शकरकंदी के टुकड़ों को हम इस तरह से फोड़ लेंगे। इस तरह से बारीक बारीक फोड़ लेंगे इसे। विलेज स्टाइल में बनाने के लिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ छाछ। इस तरह से चम्मच को चलाते रहेंगे कि छाछ फट ना जाए।
ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ शक्करकंदी। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए शक्करकंदी की सब्जी बनके तैयार है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रेश हरा धनिया।